हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द किचन का जायका। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल रेसिपी। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है आधे किलो भर की छोटी मछलियाँ। इसको अच्छे से वॉश करके एक वेज़ल में निकाल लिया है। तो अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। तो यहाँ हम बनाने जा रहे हैं फिश 65। तो एक चम्मच हम भर के डालेंगे इसमें हल्दी। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च आप जितना चटपटा खाते हो उस हिसाब से हल्का सा ले लें। तो इसमें हम एक चम्मच भर का लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। अब हम डालेंगे इसमें एक चम्मच भर का नमक। नमक टेस्ट के हिसाब से डालें। फिर हम डालेंगे इसमें 2 स्पून भर का अदरक लहसुन का पेस्ट। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको मेरे रेसिपीज़ अच्छे लगते हैं तो कमेंट भी करें। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर। इसमें मैंने एक छोटा चम्मच काली मिर्च, 2 छोटे दालचीनी और 3 से 4 लौंग को अच्छे से कूट के डाल दिया है। फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी ये फिश 65 बन के रेडी हो जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच भर का कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप 1 स्पून भर का चावल का आटा यानी कि राइस फ्लोर भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमको इसको थोड़ा कुरकुरा ही ड्राई डीप फ्राई करना है। तो हम इसमें ये फ्लोर ऐड कर रहे हैं। अब इसको हम सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। तो इस तरह से हल्के हाथों से आपको सारे मसाले मछलियों में लगा लेना है ताकि आपकी कोई भी मछली जो है फीकी ना रहे। बहुत ही टेस्टी ये बन जाता है। इस तरह से हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, 1 घंटे के लिए छोड़ेंगे। अब हम इसमें डालेंगे एवरेस्ट का चाट मसाला। आप चाहे तो कोई भी ब्रांड का चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। तो 1 छोटा चम्मच मैं इसमें चाट मसाला ऐड कर ली हूँ। तो चाट मसाले से जो टेस्ट आता है वो बहुत ही औसम होता है। आप ज़रूर इसको ट्राई करें रेसिपी को। तो इसको हम ढक देंगे और 1 घंटे के लिए हम मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। तो हमारा 1 घंटा हो गया है मैरिनेशन का। अब हम यहाँ पे कढ़ाई रख देंगे और उसमें डीप फ्राई भर का तेल डाल देंगे। तेल को हम गरम होने देंगे। तो जब तेल गरम हो जाए तो जो फिशेस हमने मैरिनेट करने के लिए रख दिए हैं वो हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके आपको डालना है। ध्यान रखें आप अपने हाथ ना जला लें। हल्के से आप इसको मिक्स करें ताकि जितने भी फिशेस हैं वो तेल में अलग अलग हो जाए और अच्छे से डीप फ्राई हो जाए। तो इस तरह से हम हल्के हल्के से मिक्स करेंगे। ज़्यादा आपको नहीं मिलाना है वरना जो मछलियाँ हैं वो टूट सकती हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे हम डालेंगे और इसको हम तेल में अलग अलग कर देंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाता है। आप चाहे तो इसे रोटी के साथ, दाल चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप स्टार्टर्स की तरह इसको एंजॉय कर सकते हैं। आप चाहे तो बच्चों को भी खिला सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी कांटे पता नहीं चलते। पूरे यानी कि जितनी भी फिशेस है वो कुरकुरे हो जाते हैं, अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो यहाँ हमारा जो फिश 65 है वो बन के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी बन गया है। तो जल्दी से इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे फिश 65 रेडी हो गया। आप इसको गर्मा गर्म अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। खाएं और खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।